तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे सूबा शासन व्यवस्था से। ठीक है, आपके पीएससी एग्जाम और व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो लोग पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ कि देखिए सबसे बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए, जो लोग एसआई भर्ती का एग्जाम डेट की जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका एग्जाम डेट आ चुका है। यानी कि एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट है आपका 29 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 जनवरी को, यानी कि फर्स्ट मंथ में। ठीक है, यानी कि आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है, आपके पास बहुत कम समय है। ठीक है, और साथ ही पीएससी का भी एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को है। ठीक है, पीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को है और व्यापम का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम आएगा अभी। ठीक है, हाल ही में, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर सूबेदारों के नाम देखेंगे। यहाँ से सूबेदार से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर से बनते हैं, यानी कि सूबा शासन व्यवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पीएससी के एग्ज़ाम में। साथ ही अब ये देखिए, एसआई भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आप व्यापम लेगा। कौन लेगा? व्यापम। पीएससी पहले ले रहा था लेकिन अब उसको व्यापम लेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एसआई भर्ती की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बारे में कि एग्ज़ाम कितना समय होगा, क्या होगा, कौन सा दिन होगा, पूरी जानकारी मैं बता दी हूँ पुलिस भर्ती से संबंधित, यानी कि सब इंस्पेक्टर से। ठीक है, और जो लोग सब इंस्पेक्टर और व्यापम पीएससी जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा, क्या पता एग्जाम में ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बार बार नहीं कहूँगा। ठीक है, जो लोग, हाँ बिल्कुल, जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, चलिए, तो पहला है आपका सूबेदारों के नाम। तो 36 देखिए आप क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। अगर कॉपी पेन साथ में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, मैं दोबारा दोहराऊँगा। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सूबेदार कौन है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार, तो आप बताएंगे महिपत राव दिनकर जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन है, तो आप बताएंगे प्रथम महिपत राव दिनकर जी। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे, महिपत राव दिनकर जी, जिसका 1787 से लेकर 1790 ईस्वी तक। ठीक है, और इनके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे। कौन आए थे? यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, देखिए एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ में यानी कि किसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आए थे, किसके शासनकाल में आया था, महिपत राव दिनकर के शासनकाल में। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या महेश कॉपी में नोट करें ना, मैं बार बार नहीं कहूँगा, जिनको पढ़ना है, तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना ही है, सिलेक्शन लेना ही है तो लास्ट तक ज़रूर देखना है ना। देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ मैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर जी, किसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे, महिपत राव दिनकर जी। मैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर बनाया हूँ बहुत ही मेहनत के साथ। ठीक है, ये आपके पीएससी और व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए महिपत राव के ही काल में लेकिन इस क्षेत्र में ही आए थे, और उन्होंने रतनपुर क्षेत्र में धान के पैदावार को देखते हुए वर्धमान संज्ञा दी गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकंड है आपका बिट्ठल राव दिनकर। कौन है? बिट्ठल राव दिनकर, छत्तीसगढ़ का द्वितीय सूबेदार। ठीक है, और इन्होंने छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन परगना पद्धति पर स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या स्थापित किया था? परगना पद्धति। और परगना पद्धति स्थापित किया था जिसको क्या कहते हैं, कम विजदार कहलाता है, कम विजदार एग्जाम में आया हुआ है, पीएससी एग्जाम में। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 27 परगनों में विभाजित किया था। कितने परगनों में? 27 परगनों में। एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में किसने विभाजित किया गया था, तो आप बताएंगे बिट्ठल राव दिनकर, जिनका सन है 1790 से 1796 ईस्वी तक। ठीक है, और जिसका प्रमुख कम विस्तार कहलाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को या फिर लागू करता किसे कहा जाता है, तो कम विजदार कहलाता है। यह 1818 ईस्वी तक जारी रही थी। कितने तक? 1818। और ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक में जो बताया हूँ,
छत्तीसगढ़ का जो शासन है दो भागों में विभाजित किया है, कौन कौन सा, खालसा क्षेत्र और दूसरा है जमींदारी क्षेत्र। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का शासन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का शासन दो भागों में विभाजित किया है, वो कौन कौन सा है, खालसा क्षेत्र और जमींदारी क्षेत्र। देखिए मराठों ने खालसा पर प्रत्यक्ष किया जबकि जमींदारों के क्षेत्र में जमींदारों स्वतंत्र शासन रखा, ध्यान से समझिएगा मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में यानी 13 मई 1795 में यूरोपीय कैप्टन ब्लंट, यानी कि कैप्टन जेडी ब्लंट, ठीक है, कैप्टन जेडी ब्लंट छत्तीसगढ़ में आए थे, ठीक है। तीसरा है भवालू कालू, यानी कि भवानी कालू, ध्यान से समझिएगा, भवानी कालू के बारे में बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में सूबेदारों में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे कम सूबेदार यानी कि कम से कम शासन करने वाला सूबेदार। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में सूबेदार कौन है, यानी कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला सूबेदार एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में यानी कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला सूबेदार कौन है, तो आप बताएंगे भवानी कालू, ठीक है, जो कि 1796 से 1797 यानी कि एक वर्ष तक, ठीक है, कितने वर्ष तक, एक वर्ष तक छत्तीसगढ़ में सबसे कम समय तक सूबेदारों की ये है इसका सन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और एग्जाम में एक और पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सूबेदार, यानी कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सूबेदार कौन है, केशव गोविंद जी, ठीक है, केशव गोविंद पंत जी, ठीक है, ये सबसे कम समय तक शासन किया है और सबसे अधिक समय तक शासन किया है किसने, केशव गोविंद ने, ठीक है। तो देखिए 1797 से लेकर 1808 तक, और छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन है, महीपत राव दिनकर जी, ठीक है, महीपत राव दिनकर जी, ठीक है, सबसे प्रथम। अब देखिए सेकंड अगर पूछ लिया जाए तो विट्ठल राव दिनकर जी हैं सेकंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं केशव गोविंद के बारे में जो कि एग्जाम में पूछता है, यह सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ के सूबेदार बने रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा सूबेदार हैं अधिक समय तक, इन्हीं के शासनकाल में यानी कि 1799 में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था, कोलब्रुक, ठीक है, देखिए ये आपको कोलब्रुक है, ठीक है, कोलब्रुक आए थे किसके समय आए थे, केशव गोविंद के आए थे, ये एग्जाम में आया हुआ पीएससीआर व्यापम में, ठीक है। तो जो लोग एसआई भर्ती सब इंस्पेक्टर है ना और पुलिस भर्ती जितने भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी की तैयारी करें व्यापम की, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेली क्लास करा रहा हूँ। टाइम के बारे में बात करूँ तो 7:30 बजे और 8:30 बजे रात को इसी टाइम वीडियो अपलोड कर दी जाती है, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। या फिर और बहुत सारे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में बहुत सारी वीडियो दिया गया है, जो भी चाहते हैं वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर पूरा क्लास में करा दिया हूँ, CGPSC, CG व्यापम, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, हाँ पटवारी, जितना भी पूछा गया है सभी का प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ओके। देखिए केशव गोविंद के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आए थे, तो आप बताएंगे केशव गोविंद, ठीक है। और इन्हीं के समय संबलपुर, रायगढ़, सारंगढ़, सोमपुर, बरगढ़, शक्ति एवं गंगपुर का विद्रोह हुआ था, ठीक है, समझ में आया क्या। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, ये नहीं पूछा था एग्जाम में, ये वाला नहीं पूछा था, ठीक है, ये बीका जी के बारे में पूछा था, तो थोड़ा देख लेते हैं बीका जी के बारे में। देखिए इन्हीं के काल में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था, किसके काल में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था, भिकाजी गोपाल के बारे में, भिकाजी गोपाल को भिका भाऊ भी कहते हैं, ये 1809 से 1817, ध्यान से समझिएगा किसके शासनकाल में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ था, भिकाजी गोपाल, ठीक है, भिकाजी गोपाल के बारे में। और इन्हीं के काल में ही अप्पा राव को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्या बनाया गया था, वायसराय, किसका, भिकाजी गोपाल के शासनकाल में अप्पा राव को छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया था। और वेगुंजी के मरणोपरांत आए नए शासक अप्पा राव के अधिक राशि की मांग को पूरी न कर पाने के पद से उसे हटा दिया था, ठीक है। अब देखिए सखा हरिराम, ये एग्जाम में नहीं आया, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
ये देखिएगा ये वाला यादवराव दिवाकर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन है, तो छत्तीसगढ़ का अंतिम, ठीक है, अंतिम सूबेदार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार पर यादवराव दिवाकर जी हैं, और छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार महिपतराव दिनकर जी हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 31 मई 1818 को रेजिटेंड जेनकिंस द्वारा सूबा शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है, और जून 1818 छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के चार कारण थे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के कितने कारण थे, आप बताएंगे चार कारण थे। वो कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा, वीडियो लास्ट तक देखकर जरूर जाइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा ना इस पर। प्रत्यक्ष भोसले शासक, ठीक है, 1758 से लेकर 1787 तक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष भोसले शासक यानी नागपुर के भोसले शासक रघुजी प्रथम ने राजकुमार बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में नियुक्त किया गया है, और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष भोसले शासन की शुरुआत हुई है। ठीक है, अब पूर्ण देख लेते हैं यहाँ पर। ये बिंबाजी भोसले से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, बिंबाजी भोसले इन्होंने नागपुर के सहायक के रूप में शासन किया, रायपुर तथा रतनपुर का एकीकरण किया, परगना पद्धति की शुरुआत की। किसने? परगना पद्धति, ये आपका पीएससी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, परगना पद्धति की शुरुआत किसने की? तो बिंबाजी भोसले ने किया। ठीक है, राजनांदगांव तथा खुजी जमींदारी का प्रारंभ किया। ठीक है, रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की, और इन्होंने 1775 में चाब बखार रियासत पर आक्रमण कर टकोली देने पर बाध्य किया। ठीक है, अब साथ ही यहाँ पर नोट करते जाइएगा, जो भी एग्जाम में मैं आता है उसी को बताऊँगा। ठीक है, ये सब नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से समझिएगा। रतनपुर के राम टेकरी में राम मंदिर का निर्माण किसने करा? एग्जाम में आया हुआ है व्यापम का। ठीक है, किसके एग्जाम में आया है? व्यापम का। तो देखिए, रतनपुर के राम टेकरी में राम मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो ये आपका आ जाएगा बिंबाजी भोसले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से एक आया था, इसको नोट कर लीजिएगा, कि यूरोपीय यात्री कोलब्रुक के अनुसार इसका शासनकाल जो लोक कल्याणकारी था। ठीक है, तो 1787 में बिंबाजी की मृत्यु होने पर उमाबाई सती हुई थी। ठीक है, उमाबाई सती हुई थी। बिंबाजी की तीन पत्नियां थी, कितनी? बिंबाजी की तीन पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, उन्होंने रायपुर के दुधारी मठ का पुनर्निर्माण कराया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में, हाँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर में दुधारी मठ का निर्माण पुनः किसने कराया था? तो बिंबाजी भोसले ने कराया था। बिंबाजी की तीन पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई, और 1787 में बिंबाजी की मृत्यु होने पर उमाबाई सती हो गई थी। ठीक है, एग्जाम में ये वाला पूछ लिया जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1787 में बिंबाजी की मृत्यु होने पर किसने पति ने, ठीक है, तो ये आपका उमाबाई। ठीक है, आनंदीबाई और रमाबाई ने सती नहीं हुई थी, ये आपका उमाबाई सती हुई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड है आपका सूबा शासन। ठीक है, सूबा शासन आपका 1787 लेकर 1818 तक। ठीक है, भोसले शासक बिंबाजी के मरणोपरांत छत्तीसगढ़ के शासक वैकुंजी भोसले को राज्य प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? मरणोपरांत, किसके मरणोपरांत? बिंबाजी भोसले के बाद सूबा शासन में आपका वैकुंजी भोसले आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर, और इन्होंने नागपुर में रहकर रतनपुर को शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में सूबेदारों की नियुक्ति की, और छत्तीसगढ़ में सूबा शासन 1787 लेकर 1818 तक शुरुआत की। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासन जो व्यवस्था है 1818 है ना, ये गलती से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसकी शुरुआत भोसले जी मरणोपरांत 1811 इसमें अप्पा साहब छत्तीसगढ़ के नए शासक नियुक्त किए गए, अप्पा साहब। ठीक है, और देखिए इसके बाद है ब्रिटिश संरक्षण के दिन शासन किया 1818 से 1830 में, और पुनः भोसले शासन हुआ 1830 से 1854 में। ठीक है, तो देखिए वैकुंजी भोसले छत्तीसगढ़ सूबा शासक के जनक माने जाते हैं, सूबा प्रशासन के जनक माने जाते हैं वैकुंजी भोसले, ये आपके पीएससी एग्जाम में आया हुआ है।